नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, एक नई भर्ती के बारे में चर्चा आज हम करने वाले हैं और लगातार ऐसी ही नई भर्तियों के लिए ऑथेंटिक सूचना के लिए आपके ये चैनल है। तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे KVS। KVS में अर्थात जो विद्यार्थी सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं, KV की जो तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी है और वैकेंसी बहुत जल्द ये कंप्लीट होने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट से ये डिसीजन आया है कि जो लगभग 7-8 साल से जो वैकेंसी पेंडिंग में आपकी पड़ी हुई थी, उस वैकेंसी को अनुमति मिल चुकी है। साथियों, इस वैकेंसी में पद हैं, अगर मैं बात करूं इसमें जो टोटल जो पोस्ट हैं साथियों आपकी 987 अर्थात 987 आपकी इसमें पोस्ट हैं। साथियों, ये जो पोस्ट है ये सामान्य बालकों के लिए नहीं है, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से कोई डिप्लोमा या बीएड जिन्होंने किया हुआ है, ऐसे विद्यार्थी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। साथियों, इसके लिए मात्र ध्यान रखना, केवल और केवल आपके पास समय है कितना, 8 मंथ का, अर्थात आपके पास 8 मंथ का आपके पास समय है। इसमें आपको ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया आपकी इसमें हो जानी है, तो बहुत जल्दी ये प्रक्रिया आपकी चालू होने वाली है। बात करें कि इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्या इसकी योग्यता है, इन सारी चीजों की अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मैं सबसे पहले चर्चा करूं कि इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म लगभग आपके सितंबर 2024 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो समय इसके लिए हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के लिए द्वारा जो दिया गया है वो समय केवल और केवल 8 मंथ का दिया गया है। इस माह में इसको विज्ञप्ति भी निकालनी है, एग्जाम भी करानी है, रिजल्ट भी देना है, नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया है वो 8 मंथ में आपकी कंप्लीट होनी है। साथियों, इसके लिए हम बात करें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अर्थात इसकी जो योग्यता है वो योग्यता इसके लिए क्या रखी गई है। तो साथ में ध्यान रखना है कि आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, और ये विशेषता आपको ध्यान रखना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके पास मार्क्स होने चाहिए, बताओ कितने, 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने आवश्यक हैं। इसके अलावा आपने बीएड किया हुआ हो और बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया हो तो आप मान्य हैं, या फिर आपने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से किया हुआ है तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं, ये जो वैकेंसी है 987 पद पर होने वाली है स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, तो जो विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा एक प्रश्न और विद्यार्थियों को रहता है कि सर PRT TGT PGT की वैकेंसी कब आएगी, तो साथियों मैं आपको निश्चितता ये बता देता हूँ कि आपकी बहुत जल्दी ही, चाहे आप PRT के लिए योग्य हैं, PGT के लिए हैं, या फिर आप जो TGT है, TGT की तैयारी आप कर रहे हैं, तो तीनों की वैकेंसी आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो गवर्नमेंट है, वो निश्चित रूप से अब सारे विभागों के बढ़ जाने के बाद में अपनी अपने जो कार्य है उन्होंने संभाल लिए हैं, और ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप विद्यार्थी, अगर आप कहीं भी इनसे संबंधित हैं तो अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी।